डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेंगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कॉन्टेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एक्सक्रीशन से। तो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। तो जो एनिमल बॉडी होती है उसके अंदर जो अमोनिया है NH3, यूरिया जो एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे CO, NH2, NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला होता है, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अलग अलग जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, वाटर हैं। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट किसको बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन लिए होते हैं सब्सटेंस। और कुछ आयंस हैं वो भी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, किसके अंदर मेटाबोलिक एक्टिविटी है, जो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं बॉडी में, उनमें बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाते हैं। और कई बार जब हम कुछ जो जो खाना खाते हैं, इंजेशन करते हैं, तो उसका डाइजेशन होता है, तो उसमें भी ये अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो आयंस हैं बॉडी के अंदर वो इकट्ठे होते रहते हैं। दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्सली। इन सब्सटेंस को या तो पूरी तरीके से बॉडी से हटाया जाता है, या फिर पार्सली का मतलब आधे अधूरे तरीके से इनको रिमूव किया जाता है। मेजर फॉर्म है जो नाइट्रोजनस वेस्ट की, वो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आती हैं। ये अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, और जिसमें जो सब्सटेंस बनता है उसी बेस पे जो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है वो अलग हो जाता है, जैसे अमोनोटेलिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो अमोनिया एक्सक्रीटरी और मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। रेडली सोल्यूबल एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन, ये जो वाटर में आसानी से घुल जाता है, और इसको बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस जो कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करती है, तो उसके द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। किनके अंदर, गिल सरफेस, या तो बॉडी सरफेस से या फिर गिल सरफेस से रिमूव किया जाता है, जैसे फिशीज के अंदर। किडनी डू नॉट प्ले एनी रोल, एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का कोई रोल नहीं होता है इसके रिमूवल में। और किन में पाया जाता है, मैनी बोनी फिशीज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट। तो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म के जिनके अंदर अमोनोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन है वो पाया जाता है। उसके बाद है यूरिकोटेलिज्म, तो इसमें यूरिक एसिड बनता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये लीस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा सबसे सबसे कम टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये, और इसको मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ रिमूव किया जा सकता है। और बनता किन में है, रेप्टाइल्स में, जो छिपकली और सांप होते हैं, क्रोकोडाइल्स वगैरह, और बर्ड्स में, और स्नेल्स में, और इंसेक्ट, कीटों में ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यूरिक एसिड बनता है। और इसको किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है, पैलेट और पेस्ट विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो इसके अंदर जो यूरिक, ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रिमूव किया जाता है, जैसे बर्ड्स के अंदर देखते हैं हम। उसके बाद है यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म के अंदर ये टेरिस्ट्रियल अडेप्टेशन होता है, जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो यूरिया है लेसर टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में, जो नाइट्रोजनस वेस्ट की जो ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है उसको लेसर टॉक्सिक फॉर्म जैसे यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके, क्योंकि यूरिया को भी रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैमल्स, मैनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशीज मेनली एक्सक्रीट यूरिया। तो किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मैमल्स होते हैं जितने भी, और जो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस है, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन का मतलब है, एम्फीबियन वैसे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सके, लेकिन जो ज़्यादा लैंड पे रहते हैं तो उनको टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन बोलते हैं, जैसे मेंढक हो गया। एंड मैराइन फीसीज मेनली एक्सक्रीट यूरिया, जो मैराइन फीसीज होती हैं, खासकर खारे पानी की मछलियाँ,
वो यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर। तो जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है तो उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर के अंदर, एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय बाय द किडनी। और इस यूरिया को ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है और जो कि बाद में किडनी के द्वारा इस यूरिया को फिल्टर कर लिया जाएगा और शरीर से बाहर है और रिमूव कर दिया जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। कुछ मात्रा है यूरिया की वो बॉडी में बनाए रखी जाती है ताकि जो आयन का बैलेंस है वो बनाए रखे जा सके, क्योंकि एकदम से सारे आयन से वो बॉडी से बाहर नहीं निकाले जा सकते, चाहे वो लेस उनकी जो डिजायरेबल फॉर्म ही क्यों ना हो, उनकी जरूरत कम क्यों ना हो। जैसे यूरिया है, यूरिया की कोई बॉडी में जरूरत नहीं होती, फिर भी उसको बनाए रखा जाता है ताकि ऑस्मोलरिटी ऑस्मोरेगुलेशन बैलेंस ऑफ आयन बना के रखा जा सके। उसके बाद है टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो जिस प्रकार का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसी प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, बिल्कुल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है किसके अंदर, ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किडनी किडनी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बिल्कुल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर से बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी पाई जा सकती हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, जैसे हम अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिसको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, और ये प्लेटी एलिमेंट्स जो प्लेटवॉर्म्स होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया, रोटिफर्स एंड सम एनालिड्स, और सिफेलो कोरोडेट्स जैसे एम्पियोक्सिज। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया मतलब जो हम नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसकी एक पुरानी फॉर्म होती है, मतलब उसी से मॉडिफाई होकर आज नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है जो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, तो इसका काम क्या करता है, साथ में तो ये एक्सक्रीशन भी करता है और साथ में जो शरीर में जो आयन है और जो फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। मतलब आयन के बैलेंस को बना के रखता है ताकि जो पीएच है बॉडी की या फिर जो भी अलग अलग एंजाइम के लिए जो एक्टिविटी है उनकी एक जैसी बनाई रखी जा सके। तो आयन का बैलेंस बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद है नेफ्रिडिया, ये ट्यूबलर, ये भी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अर्थवर्म में और कुछ एनालिड में पाई जाती हैं। रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूड एंड आयनिक बैलेंस। तो इनका काम भी क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने का और आयनिक बैलेंस को बनाए रखने का। और जो 11th क्लास में हम अलग अलग फाइलम डिस्कस करते थे तो वहाँ पे एनालिडा आता था जिसके अंदर एन्यूल्स रिंग जैसी बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उनके अंदर मेनली नेफ्रिडिया ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। उसके बाद है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, तो ये भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करती हैं किसके अंदर, ज़्यादातर इंसेक्ट के अंदर जैसे कॉकरोच है उनके अंदर पाई जाती है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन, तो काम इनका सबका यही होता है कि जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में बनते हैं उनको रिमूव करना और साथ में आयन का बैलेंस बना के रखना। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, तो ये किन के अंदर पाई जाती है, क्रस्टेशियन जैसे प्रान झींगे होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो एंटीना ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। तो ये चार प्रकार के जो मेनली हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे हैं वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। उसके बाद है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो स्टार्ट करते हैं हम मेन टॉपिक की। कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरिटर्स एंड ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा। तो ये मेन भाग होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, इसके अंदर किडनी पेयर में पाई जाती है, यूरिटर भी पेयर में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होती है और सिंगल ही यूरिथ्रा होता है। तो सबसे पहले किडनी देखते हैं, किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप्ड सोयाबीन के आकृति की होती हैं, सिचुएटेड बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट, जो थोरेसिक वर्टिब्रा का जो बिल्कुल थोरेसिक रीजन का लास्ट वर्टिब्रा होता है, जैसे थोरेसिक रीजन में अलग अलग वर्टिब्रा होते हैं तो जो 12 रिब्स होती हैं तो उन्हीं का एक लास्ट वर्टिब्रा होता है, और जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो कि एब्डोमिन रीजन में प्रेजेंट होता है तो उनके बीच में वाले पोर्शन में ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, मतलब पीठ वाली साइड में होती है, इनर वाल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसकी अंदर वाली वाल में प्रेजेंट होती है। मेजर्स 10 टू 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 टू 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं।
5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती हैं। एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। तो इनका जो वेट होता है लगभग 120 से लेकर 170 ग्राम तक हो सकता है। एनाटोमी मतलब किडनी की अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देती हैं। एक हिलम स्ट्रक्चर होती है, ए नोच टुवार्ड्स सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस थ्रू विच यूरिटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर्स। तो एक नोच जैसी स्ट्रक्चर होती है, अंदर की तरफ दसा हुआ भाग होता है जो कि इनर कनकेव साइड में प्रेजेंट होता है, और जिसमें से जो यूरिटर हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व हैं, ये सारे जो अलग अलग पोर्शन है वो एंटर करते हैं किडनी के अंदर। उसके बाद है रीनल पेल्विस, ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इनर टू द हिलम। हिलम के अंदर एक कीप जैसी स्ट्रक्चर होती है ये, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। डायग्राम में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद है कैलेक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन रीनल पेल्विस। प्रोजेक्शन का मतलब उबार होते हैं ये रीनल पेल्विस रीजन के ऊपर, कुछ उबार जैसी स्ट्रक्चर होती है उनको हम बोलते हैं कैलाइसिस। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल, जो सबसे बाहर की परत होती है किडनी की वो बिल्कुल एक मजबूत परत होती है। कैप्सूल एक मजबूत परत को बोला जाता है जो कि इसका प्रोटेक्शन करने का काम करती है। इनसाइड टू जोन, किडनी के अंदर दो जोन होते हैं, मेन दो एरिया होते हैं। एक होता है मेडुला, डिवाइडेड इंटू ए फ्यू कॉनिकल मासिज मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इंटू द कैलिसिज। तो जो मेडुला रीजन है जो कि इनर मोस्ट रीजन होता है बिल्कुल सेंटर में, तो वो कुछ छोटे छोटे मास स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पैचेज टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती हैं ये, और जो कि प्रोजेक्टिंग इनटू द मतलब जो आगे दस ये होती हैं किसके अंदर, कैलेसिज के अंदर, और सिंगल को हम कैलेक्स बोलते हैं। जबकि जो कोर्टेक्स है एक्सटेंडेड एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉलम्स ऑफ द बर्टनी। तो कॉलम्स ऑफ रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी ये नाम है स्ट्रक्चर का, और किससे बनती हैं, जो कोर्टेक्स रीजन है किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, उनसे ये स्ट्रक्चर बनती हैं। तो हम जो पिक है उसमें इस चीज का आइडिया लेंगे, जैसे जो किडनी है वो इस तरीके से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, और जो हिलम हमने देखा था वो एक ऐसा पोर्सन एक नोच जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें से जो जो अर्टरीज हैं, वीन्स हैं, यूरिटर हैं और अलग अलग नर्व्स हैं वो एंटर करती हैं किडनी के ऊपर। एड्रेनल ग्लैंड होती हैं जिनके बारे में हम लास्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे, हार्मोनल कंट्रोल वाले में। उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा होती है और डिसेंडिंग एरोटा होती है। तो दोनों ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को लेके आती है किडनी के पास। ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, और एक में हमने बाहर जो स्ट्रक्चर है बाहर से हम देख सकते हैं, और दूसरे में इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो देखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो मेडुला है वो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, और जबकि कोर्टेक्स बाहरी भाग होता है, और यहाँ पे मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती हैं, और पेल्विस ऑफ किडनी, पेल्विस रीजन जो हमने डिस्कस किया है, तो ये रीजन क्या होता है जहाँ से यूरिटर अराइज होती है। यूरिटर क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती हैं। जो किडनी है उसकी लोकेशन देख सकते हैं बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और जो अंदर का जो डिटेल्ड व्यू है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग जो पोर्शन है, जैसे रीनल कोर्टेक्स है जो बाहरी पोर्शन होता है जो कि पेरिफेरी बनाता है, और जो रीनल मेडुला अंदर वाला पोर्शन होता है। उसके बाद रीनल पैपिला होते हैं जो कि जो ट्रैंगुलर फॉर्म होती है, इनको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं, और इसकी जो टिप होता है उसको रीनल पैपिला बोला जाता है। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो अर्टरीज और वीन है वो किस तरीके से नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर वो बना रही है, और हर एक पोर्शन में वो अपना जो ब्लड है उसको लेके जाती हैं। उसके बाद रीनल कॉलम्स हैं, कॉलम क्या हैं, जो कि पिरामिड के बीच में प्रेजेंट होती हैं, और फाइब्रस कैप्सूल जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है ऊपर प्रेजेंट होता है ये, और उसी की वजह से जो कलर होता है रेडिश ब्राउन किडनी का वो दिखाई देता है। उसके बाद मेजर कैलेक्स एंड माइनर कैलेक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यूरिटर होता है। यूरिटर का जो सबसे पहला पोर्शन जो थोड़ा सा तीन पिरामिड से कनेक्टेड है तो वो मेजर है, और जबकि प्रत्येक पिरामिड से जो पिरामिड होते हैं रीनल पिरामिड उससे कनेक्ट होने वाले कैलेक्स को हम माइनर कैलेक्स बोलते हैं। और यहीं से एक जो ये नोच टाइप की जो स्ट्रक्चर है इसको हिलम बोलते हैं, जहाँ से हम देख सकते हैं रीनल अर्टरी है, रीनल वेन्स हैं, और जो यूरिटर हैं वो किडनी के अंदर एंटर करती हैं। और रीनल पैल्विस रीजन क्या होता है, जो कि वो रीजन जिससे जो यूरिटर है वो अराइज होती है। तो हम यहाँ पे एक डिटेल्ड व्यू है किडनी का वो समझ सकते हैं। उसके बाद है नेफ्रोन्स। तो नेफ्रोन्स क्या है,
1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन ईच किडनी विच आर फंक्शनल यूनिट्स। तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख छोटी छोटी जो यूनिट पाई जाती हैं, जो कि किडनी का सारा काम करती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, जो सारा काम है किडनी में इन नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। हैज टू पार्ट, और इन नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं मेन, एक ग्लोमुलर्स होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। ग्लोमुलर्स क्या होता है? टफ ऑफ कैपिलरी फॉर्मड बाय द एपरियंट एट अरेट्रियोल्स। जो अरेट्रीज एंटर करती है किडनी के अंदर, तो वो छोटी छोटी ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको अरेट्रियोल बोला जाता है। और जो ब्लड को लेके आती हैं किडनी के अंदर, उसको एफरेंट अरेट्रियोल बोला जाता है। और जब वो आगे फाइन डिवाइड हो जाती हैं किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर, वो एक गुच्छा बनाती हैं। तो ब्लड वेसल्स का जो एक गुच्छा सा बनता है, उसको ग्लोमुलर्स बोला जाता है। और ब्लड फ्रॉम द ग्लोमुलर्स इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट अरेट्रियोल्स। और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद वापिस अरेट्रीज के अंदर जो लेके जाया जाता है, वो इफरेंट अरेट्रियोल के द्वारा लेके जाया जाता है। और जो ग्लोमुलर स्ट्रक्चर है, ये जो नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में जो मेन स्ट्रक्चर आती हैं, एक डबल्ड वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, कप जैसी स्ट्रक्चर होती है बाउमेन कैप्सूल जिसको बोलते हैं। और यही क्या करता है, ग्लोमुलर्स जो ऊपर भाग हमने पढ़ा है उसको ये एनक्लोज करता है। पूरा ग्लोमुलर्स भाग इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। माल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स। उसके बाद जो माल्पीजियन बॉडी क्या होती है, ग्लोमुलर्स को जब बाउमेन कैप्सूल के साथ मिला के बोला जाता है तो माल्पीजियन बॉडी बनाते हैं। ग्लोमुलर्स और बाउमेन कैप्सूल दोनों मिलके माल्पीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल्स बनाते हैं। ट्यूबल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कोल्ड नेटवर्क। तो जो ट्यूब है ये आगे जाके एक कोल्ड नेटवर्क बनाती है, एक मतलब अलग अलग जो टेडी मेडी ही जो ट्यूब देखने को मिलती है, जिसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, पीसीटी। उसके बाद इसी पीसीटी से आगे जाके एक हेयर पिन, जो हेयर में पिन लगाने की जो एक पिन होती है, तो वो हेयर पिन जैसी एक हैंडलेज लूप नाम की स्ट्रक्चर होती है, और जिसके अंदर एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है। लिम्ब मतलब इसका एक भाग जो एक नीचे की तरफ जाता है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में वो भाग, और एक ऊपर की तरफ जो चढ़ता है वो हम डायग्राम में देखेंगे इसको। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कोल्ड ट्यूबुलर रीजन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इसी से जो आगे ट्यूब है वो किस में बदल जाती हैं, फिर कॉन्वोलेटेड हो जाती हैं, वो टेडी मेडी हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये प्रोक्सिमल और डिस्टल वर्ड बाउमेन कैप्सूल से रिलेटेड है। जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल प्रोक्सिमल में मतलब पास में है बाउमेन कैप्सूल के, उसको पीसीटी बोलेंगे, और जो दूर है उसको डीसीटी बोला जाता है। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन टू ए स्ट्रेट ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट। तो जो काफ़ी सारी नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक जगह पे आके मिलती हैं, जो कि कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं। फिर मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इन टू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द गैलेक्सीज। और ये बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो इकट्ठी होकर रीनल पेल्विस रीजन में आके ओपन होती हैं। और ये किन से आती हैं, मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर ही जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और मेडुलरी पिरामिड से बाहर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इकट्ठी होकर जो यूरिन जितना भी बनता है तो उसको बाहर लेके आती हैं। उसके बाद है कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। किडनी का जो कॉर्टिकल रीजन होता है उसके अंदर हम जो मेनली डिस्कस करते हैं, हैज माल्पीजियन कॉर्पस्कल्स पीसीटी एंड डीसीटी। तो बाहर वाला जो रीजन होता है किडनी का, उसके अंदर जो पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और जो माल्पीजियन कॉर्पस्कल्स हैं वहाँ जाते हैं। जबकि जो मेडुलरी रीजन होता है किडनी का, उसके अंदर जो लूप ऑफ हैनले, जितने भी हैनले के लूप हैं वो डिप्स का मतलब वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम टाइप देखते हैं नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो टू टाइप होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, इन विच लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इन टू द मेडुला। तो इनके अंदर जो लूप ऑफ हैनले है वो इतना छोटा होता है कि वो उसका कुछ ही भाग मेडुलरी रीजन में रहता है। जैसे हमने पीछे देखा है मेडुलरी रीजन में हैनले लूप रहता है, लेकिन इन नेफ्रॉन का केवल जो मेडुलरी रीजन में जो लूप का भाग है वो बहुत कम रहता है। जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर जो लूप ऑफ हैनले है वो काफ़ी लंबा होता है और वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये क्या होती है, फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल्स। तो एक बार जब एफरेंट अर्टरी आती हैं
वो फिल्टर करती हैं ब्लड को और इफरेंट आर्टरियोल्स के रूप में बाहर निकलती हैं, तो उसी की कुछ जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल फाइन हो जाती हैं, पतली पतली जो ट्यूब्स ट्यूब्स हैं वो जितनी भी रीनल ट्यूब्यूल होती हैं जैसे पीसीटी डीसीटी रूप लोप ऑफ हेनले उनके सराउंडिंग में वो कवर करती हैं। इनका काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। जो भी एक बारी न्यूट्रिएंट ब्लड से बाउन कैप्सूल में चला जाता है तो उसको दोबारा ये फिल्ट्रेट दोबारा रीअब्जॉर्ब करती हैं, फॉर्मड बाय इफरेंट एट्रियोल्स एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमुलर्स। वही बात है, ग्लोमुलर्स से जो बाहर इफरेंट एट्रियोल्स निकलती हैं उन्हीं से ये स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद है वासा रेक्टा, ए माइन्यूट यू शेप्ड वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप फॉर्मिंग ए वासा रेक्टा। तो जो ये पेरिटेबुलर कैपिलरीज हैं इन्हीं का एक भाग जो लूप ऑफ हेनले है उसके अराउंड में एक यू टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। तो दो यू इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, एक तो लूप ऑफ हेनले का यू टाइप स्ट्रक्चर और एक ये वासा रेक्टा का यू टाइप स्ट्रक्चर। तो ये दोनों क्या करती हैं, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हम देखेंगे सेकंड पार्ट में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रोन। जो कॉर्टिकल नेफ्रोन हमने ऊपर देखा था वहां पे, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ही छोटा सा होता है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे ये एब्सेंट होती हैं या फिर इनका साइज बहुत ही छोटा देखा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो किडनी है, किडनी के जो मेडुलरी रेज मेडुलरी पिरामिड होते हैं उनके अंदर कुछ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन में हम देख सकते हैं ये बाउमैन कैप्सूल है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो रेड कलर का पोर्शन है वो ग्लोमुलर्स होता है, फाइन ट्यूबुल्स होती हैं। जो एक ट्यूब है जो ब्लड को लेके आती है उसको एफरेंट एट्रियोल बोलते हैं और जो ब्लड को लेके जा रही है वो इफरेंट एट्रियोल्स होती हैं। और ये इफरेंट एट्रियोल्स ही क्या करती हैं, फिर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं जो कि जो अलग अलग भाग हैं, जैसे कि ये बाउमैन कैप्सूल के बाद पीसीटी स्टार्ट हो चुका है, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और उसके बाद बीसीटी पार्ट है और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। जो ये जितना भी येलो इस पार्ट दिखाई दे रहा है ये नेफ्रोन का पार्ट है, और जो ये ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो अलग अलग हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो कि इस नेफ्रोन की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम रीअब्सॉर्प्शन का होता है। और यहाँ पे हम वासा रेक्टा देख सकते हैं, वासा रेक्टा क्या है, जो कि लूप ऑफ हेनले के बाहर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वही एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। तो मेन तो जो नेफ्रोन है वो एक ट्यूब ही होती है और उसके ट्यूब के अलग अलग भाग को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे पहले कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, बाउमैन कैप्सूल, और उसके बाद जो आगे ट्यूब ये आगे बढ़ती है तो इसको पीसीटी बोल दिया जाता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद इसी की आगे मॉडिफिकेशन है जो येलो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद आगे जो ये एक कॉन्वोलुटेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है इसको डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और जो बाउमैन कैप्सूल है और जो ग्लोमुलर्स है दोनों को मिला के मालफीजियन बॉडी बोला जाता है। उसके बाद है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनता है किडनी में उसकी जो हम प्रोसेस है वो डिटेल से देखेंगे अभी। इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस, तो इसके अंदर तीन मेन प्रक्रियाएं आ जाती हैं। पहला है ग्लोमुलर्स फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमुलर्स पार्ट हमने देखा है उसके अंदर जितना ब्लड है एक बार इसको फिल्टर कर दिया जाता है, उसके बाद जो काम की चीजें उसको दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में कुछ आयंस वगैरह हैं कुछ अलग अलग सब्सटेंस है वो सिक्रीट किए जाते हैं। तो ग्लोमुलर्स फिल्ट्रेशन जो पहली प्रोसेस है वो देखते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरिड आउट बाय द ग्लोमुलर्स। जो ग्लोमुलर्स हमने भाग देखा है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन है ब्लड को यहाँ पे छाना जाता है, ऑन एन एवरेज 1100 और 1200 बोल सकते हैं, या 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में जो ब्लड है वो 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर ब्लड है वो किडनी के द्वारा, किडनी दोनों को मिला के जो दोनों किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। कंस्टिट्यूट्स रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। तो जो वेंट्रिकल पंप करती है ब्लड को एक मिनट में उसका 1/5 होता है। जैसे हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर देखा था जो एक मिनट में लगभग 5 लीटर जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है पूरी बॉडी से, तो उसका यदि हम देखें तो एक लीटर लगभग 1/5 भाग ये हो जाता है। तो ग्लोमुलर्स कैपिलरी ब्लड प्रेशर काजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द थ्री लेयर्स। तो जो ग्लोमुलर्स कैपिलरीज हैं उनके जो बिल्कुल ये फाइन ट्यूब क्यों बनाई जाती हैं, मतलब इनका डायमीटर कम से कम क्यों रखा जाता है, ताकि जो ये यहाँ पे ब्लड है वो प्रेशर से आए, और प्रेशर से आने की वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। कितनी लेयर के द्वारा, तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं। पहली लेयर है एंडोथिलियल,
एंडोथिलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स की जो एक वन लेयर थिक मेम्ब्रेन होती है जिसको एंडोथिलियम लेयर बोलते हैं। दूसरी है एपिथिलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल की बाहर वाली जो लेयर होती है, एंड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसी टाइप का अरेंजमेंट है जैसे हमने एलोलाई के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिस्कस किया था। वहाँ पे भी तीन लेयर थिकनेस थी, यहाँ पे भी थ्री लेयर थिकनेस है। तो पोडोसाइट्स क्या होती हैं? एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल अरेंज्ड इन ए इन सिट्रेट इंट्रीकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस बिटवीन कॉल्ड द फिल्ट्रेशन सिल्ट और द सिल्ट पोर। तो जो एपिथेलियल सेल होती है बाउमेन कैप्सूल की जो ऊपरली परत होती है वो कुछ ना कुछ जो छिद्र जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो छोड़ती रहती हैं बीच बीच में, जिससे क्या होता है जैसे छलनी होती है उस तरीके की जो स्ट्रक्चर है जो बाउमेन कैप्सूल की बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट होती हैं, उसी के जरिए जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन। तो इन्हीं जो मेम्ब्रेन के जरिए जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है, मतलब जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको बाहर निकाला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमिन बाउमेन कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बोलते हैं। मतलब जितना भी कंपोनेंट होता है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन को छोड़ के और जो आरबीसी वगैरह है उनको छोड़ के, तो वो सारा मटेरियल है एक बार तो बाउमेन कैप्सूल में आ जाता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब हर एक चीज जो बिल्कुल फाइन से फाइन चीज भी जो ब्लड के अंदर जो होती हैं तो वो एक बार ही तो सारी की सारी बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब किस स्पीड से जो फिल्ट्रेशन है वो होता है उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब इसको कैसे कंट्रोल करके रखा जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट मतलब कितनी ब्लड को छान के जो मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है ब्लड से तो वो कितना बढ़ रहा है पर मिनट के अंदर किडनीज के द्वारा, वो होता है GFR। तो एक हेल्थी पर्सन में ये अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, और यदि हम एक डे में देखें तो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड से निकाल दिया जाता है बाहर। और मैकेनिज्म ऑफ GFR रेगुलेशन, तो ये GFR को कम ज़्यादा कैसे किया जाता है, क्योंकि ये लेवल है जो 180 लीटर पर डे ये हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होता, इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है? कैरिड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA। तो एक अपरेटस काम करता है जो कि हम जो एक्सक्रीशन का रेगुलेशन है उसमें भी देखेंगे। तो इसका काम क्या होता है? जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसको कंट्रोल करके रखना। स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, तो कुछ स्पेशल टाइप के मॉडिफिकेशन भी पाए जाते हैं उसके प्रति ये क्या है काफ़ी सेंसिटिव रीजन होता है, मतलब ये अलग अलग जो भी चेंजेज आते हैं उसको ये सेंस कर सकता है। इन डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट एट्रियोल्स एट लोकेशन ऑफ दियर कॉन्टैक्ट, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? डिजिटल कन्वोलेटेड DCT के अंदर होता है, एफरेंट एट्रियोल्स के अंदर। कहाँ पे होता है? जब वो एक दूसरे के टच में आती है कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनके अंदर भी ये अपरेटस है वो प्रेजेंट होता है। छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो कि अलग अलग जो ब्लड के अंदर अलग अलग जो फिल्ट्रेट होता है उसके प्रति सेंसिटिव होती हैं। ए फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट JG सेल्स, तो यदि GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यदि 125 मिलीलीटर से कम हो जाता है तो जो जे जी सेल होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं एक रेनिन हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं जो कि ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो ग्लोमेरुलस में ब्लड आ रहा है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फिल्टर होएगा और फिल्टर होने के बाद जो लेवल है 125 मिलीलीटर उसको नॉर्मल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो रेनिन है ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को बनाए रखने में। उसके बाद है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, तो एक बार जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद कुछ चीज़ों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, और रीएब्जॉर्प्शन में हम देख सकते हैं फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, जो फिल्ट्रेट हमने देखा था 180 लीटर पर डे होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो बाहर निकलता है मटेरियल, जबकि जो यूरिन है एक दिन में लगभग 1.5 लीटर ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम जो ये आंकड़े हैं इनमें कितना चेंज है वो देख सकते हैं। तो जो 90% है जो फिल्ट्रेट है उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, तो यही सबसे क्रिटिकल प्रोसेस होती है रीएब्जॉर्प्शन की, और इसमें एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म दोनों काम करते हैं। एक्टिव मतलब जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है, और पैसिव मतलब जो कि एक एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता,
जैसे जो डिफ्यूजन वगैरह है, और एटीपी जो सिंथेसिस के अंदर जो एटीपी का रोल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें कुछ सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम आयन्स है, ये भी कई बार छन के ब्लड से यूरिन में आ जाते हैं, तो इनको दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब एटीपी की जरूरत पड़ती है यहाँ पे इनको एब्जॉर्ब करते टाइम। नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनको तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही हम जो ब्लड के अंदर वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, इसको तो निकालना ही शरीर से बाहर, लेकिन इसको भी आयन बैलेंस बनाए रखने के लिए ये ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर आ जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रोन्स। इनिशियल सेगमेंट का मतलब है जो पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, उसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी कर लिया जाता है, क्योंकि वाटर एक बार तो सारा ही निकल जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है फिर जो पीसीटी होता है और हेनलेज लूप होता है उसके अंदर। सिक्रीशन में क्या किया जाता है, ट्यूबुलर सेल्स से सिक्रीट सब्सटेंस लाइक प्रोटोन, पोटासियम आयंस एंड अमोनियम इनटू द फिल्ट्रेट। तो ट्यूबुलर सेल मतलब जो पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले हैं, इनके अंदर कुछ जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो ये आयंस हैं वो सिक्रीट करती हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का जो थर्ड स्टेप है। हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड। तो इसका काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आयन है उनको यूरिन में भेज दिया जाता है, और जो यूरिन में मान लो जो बॉडी में यदि आयन कम है यूरिन में ज्यादा है तो उनको वापस एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। उसके बाद हम स्लाइड से समझते हैं जो ब्लड है जो कि ग्लोमुलर्स में आ रहा है वो हम देख सकते हैं। एक बार तो सारा का सारा जो भी फिल्ट्रेट है इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है, देख सकते हैं जो फिल्ट्रेशन किस प्रकार से हो रही है, और इसी को ग्लोमुलर्स फिल्ट्रेशन बोलते हैं। बाउमैन कैप्सूल के अंदर ये फिल्ट्रेशन होती है, मतलब जो ब्लड है ये जो ब्लड को लेके आ रही है वो एफरेंट एट्रियोल है, और जो लेके जा रही है वो ईफरेंट एट्रियोल्स हैं। तो इसमें जो ब्लड की मूवमेंट देख सकते हैं रेड कलर का है, और उसमें से जो भी मटेरियल फिल्टर किया है, एक्सक्रीटरी वेस्ट तो होते ही है, साथ में कुछ प्रोटीन वगैरह है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, वो भी बाउमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। उसके बाद है जो हम मूवमेंट देख सकते हैं, जो भी फिल्ट्रेट होता है वो किस तरीके से पीसीटी में आएगा और उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा वापस कैपिलरीज के अंदर। री एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है कि जो भी मटेरियल एक बारी फिल्ट्रेट हो गया इस बाउमेन कैप्सूल में उसको पीसीटी पार्ट में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो ये कैपिलरीज कौन सी हैं, ये जो जाल जो नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं जो पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अराउंड में, ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को शो कर रही है, ये मूविंग पिक है जो। उसके बाद सिक्रीशन में क्या होता है, पेरिट्यूबुलर जो ये अलग अलग ट्यूब्स होती हैं कैपिलरीज, वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस देख सकते हैं, एरो का निशान इनसे आ रहा है और वो जो लूप ऑफ हेनले है इसके अंदर आ रहा है। तो मेन जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की वो केवल एक ट्यूब ही होती है, जैसे बाउमेन कैप्सूल से स्टार्ट है और उसके बाद अलग अलग भाग में ये मतलब जो अलग अलग नाम हो जाते हैं इसके, जैसे इसको पीसीटी बोलते हैं, इसको लूप ऑफ हेनले, इसको डीसीटी बोलेंगे, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो अलग अलग फिल्ट्रेट है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट कर दिया जाता है। तो ये तीन प्रोसेस होती हैं, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, और इसमें अलग अलग हम देख भी सकते हैं जो रेड और ब्लू और जो येलो है, रेड ग्रीन और येलो, ये अलग अलग जैसे सोडियम को रेड रिप्रेजेंट किया गया है, ग्लूकोज, तो इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में हम देख सकते हैं जो सिक्रीशन किस तरीके से किया गया है। तो यदि हम डीसीटी को हाई इमेज करके देखें तो इसमें जो जो सेल होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं, ये सेल क्या करती है, कुछ ना कुछ देख सकते हैं हम सब्सटेंस को सिक्रीट कर रही हैं, और ये सब्सटेंस को सिक्रीशन करने वाला प्रोसेस ही लास्ट स्टेज होती है। और उसके बाद जो भी एक मटेरियल यहाँ पे बनता है लिक्विड फॉर्म बनता है तो उसको जो भी कलेक्टिंग डक्ट है उनके जरिए यूरिट्री के अंदर भेज दिया जाता है, और यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल के फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले ट्यूब्यूल्स होती हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, जो कि बाउमेन कैप्सूल से स्टार्ट होती है, लाइंड बाय सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम। तो इसकी जो लेयर है वहां पे क्यूबोडियल शेप की जो सेल है वो पाई जाती हैं, ब्रश बॉर्डर का मतलब है ब्रिसल शेप की स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द रीअब्जॉर्प्शन, जो कि रीअब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे विलाई होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वही काम होता है इनका भी, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करती हैं ये। और रीअब्जॉर्प्शन क्या है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोसेस देखी थी यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स एंड
72-80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड। तो काम हम देख रहे हैं जो उसके अंदर क्या होता है, पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और 70-80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको पीसीटी के द्वारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर को भी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा, और साथ में हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड बाय, तो साथ में जो बॉडी का एसिडिक बेसिक कंडीशन है उसको भी, और जो अलग अलग आयन है उसके बैलेंस को बनाए रखना काम भी किडनी का होता है। सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटासियम आयन इन टू द फिल्ट्रेट, तो साथ में कुछ आयन्स को ये सिक्रीट भी करती है। सिलेक्टिव का मतलब होता है जरूरत पड़ने पे सिक्रीट करती है, वरना ये एब्जॉर्ब भी करती है। तो जैसे अमोनिया है, पोटासियम आयन है, इनको क्या करती है फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट करती है, एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट, और साथ में जैसे ये इनको सिक्रीट करती है तो ये बाइकार्बोनेट आयन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये फंक्शन है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के। उसके बाद है हेनलीज़ लूप, क्या क्या फंक्शन करता है। इसके दो भाग होते हैं, एक असेंडिंग लिंब होता है, एक डिसेंडिंग लिंब। तो असेंडिंग लिंब का काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, लेकिन ये किस में रोल प्ले करता है, इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूड। तो मेडुलरी का मतलब जो मेडुलरी रीजन हमने देखा था उसके बीच में, जो सेल्स के बीच में जो भी फ्लूड पाया जाता है उसकी कंसंट्रेशन को, ऑस्मोलैरिटी मतलब उसकी कंसंट्रेशन को हाई बना के रखता है ये। इम्परमेबल टू वाटर बट अलोज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली एंड और पैसिवली, तो ये वाटर के प्रति तो इम्परमेबल है कि वाटर को तो मूव नहीं करने देता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को ये मूव करने देता है अपनी लेयर में से, उनको एक्टिवली मूव करने देता है जिसमें एनर्जी का यूज होता है, या फिर पैसिवली भी वो इसकी लेयर में से मूव कर सकते हैं। कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूड्स, जिसकी वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मेम्ब्रेन में से पास हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर जो भी जो यूरिन आ रहा है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट क्यों होएगा, क्योंकि उसमें से जो हमने अलग अलग जो इलेक्ट्रोलाइट यदि निकाल दी है तो उसकी कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो पूछ लिया जाता है कि असेंडिंग लिंग में जो कंसेंट्रेशन है फिल्ट्रेट की वो कम होती है या ज्यादा होती है, रीजन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये वाटर के प्रति तो इम्परमेबल है, इम्परमेबल मतलब उसको वाटर को तो निकलने नहीं देगा, इलेक्ट्रोलाइट को ही अपने अंदर से पास होने दे देता है, और जो हेनलीज़ लूप है उसमें से वाटर तो निकलेगा नहीं, जो आयन्स है उनके निकलने की वजह से जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। डिसेंडिंग लिंब क्या होते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले का, जो कि परमेबल होता है वाटर का, वाटर के प्रति परमेबल होता है बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ऊपर वाले की बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है। तो इस केस में क्या होगा, वाटर तो है वो बाहर निकलता रहेगा लूप ऑफ हेनले से, और जो फिल्ट्रेट हैं जो भी अलग अलग आयन्स हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन है, जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले में जो भी फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जाता है तो वो कंसनट्रेटेड होता चला जाता है। लेकिन यदि इनकी अरेंजमेंट देखें, पहले डिसेंडिंग लीम आता है उसके बाद असेंडिंग लीम आता है, तो डिसेंडिंग लिंब मतलब नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर आती है उसमें जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता रहेगा वो कंसनट्रेटेड होता रहेगा, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वो डाइल्यूट होता रहता है। पी कैसे काम करती है, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे किसका, सोडियम का, सोडियम आयन्स होते हैं, और वाटर का वो किया जाता है। कंडीशनल का मतलब जब जरूरत होती है तभी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा, वरना उसकी यदि जरूरत नहीं है, जैसे सर्दियों में वाटर की कोई जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा बॉडी को, तो वाटर को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। जैसे गर्मियों में वाटर को और जो सोडियम की आयन्स की काफी कमी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि जो प्रेस्पायरेशन होता है, जो पसीना बहती है बॉडी शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें आयन्स का भी काफी लॉस हो जाता है। इसकी वजह से जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है वो काम करता है गर्मियों में। कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटासियम आयन्स एंड अमोनिया, तो साथ में क्या काम करती है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है उनको रीअब्जॉर्ब करती है, और साथ में सिलेक्टिव सिक्रीशन का मतलब वही है, जरूरत पड़ने पे ये प्रोटोन और पोटासियम आयन्स को और अमोनिया को भी सिक्रीट कर सकती है। टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटासियम बैलेंस इन द ब्लड, तो क्यों ये सिक्रीट करती है, क्योंकि जो पीएच है और सोडियम पोटासियम बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर। उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट, तो ये भी अलग अलग फंक्शन करती है। तो क्या होती है, लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, तो कोर्टेक्स रीजन से स्टार्ट होके ये मेडुलरी रीजन तक प्रेजेंट होती है, मतलब जो कोर्टेक्स और मेडुला रीजन होता है किडनी का उसको कनेक्ट करने का काम करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन, तो यूरिन जब कंसनट्रेटेड होता है ज्यादा, मतलब
सघन होता है तो उसका कारण क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो कि कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा किया जाता है, अलो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन टू मेडुलरी इंटरस्टीशियम टू कीप अप ऑस्मोलरिटी। साथ में कलेक्टिंग डक्ट से कुछ ना कुछ जो यूरिया है वो मेडुलरी इंटरस्टीशियम का मतलब है जो इससे बाहर होके जो मेडुलरी रीजन है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में चला जाता है ताकि जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। प्लेज ए रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ प्रोटोन एंड पोटासियम आयन। तो साथ में जो पीएच है उसका बैलेंस बना के रखा जाता है और आयनिक बैलेंस है अलग अलग जैसे हाइड्रोजन है और पोटासियम है इनके सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा शरीर में जो आयन्स का बैलेंस है जो कि अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं तो उनके बैलेंस को बनाए रखने का काम भी कलेक्टिंग डक्ट का रहता है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेट मतलब जो भी यूरिन बनने की जो प्रोसेस होती है सबसे पहले जैसे फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जो हमने यूरिन फॉर्मेशन देखा था तो उसको ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जाता है ताकि जो नाइट्रोजीनियस बेस्ड है वो ज्यादा बाहर निकले और जबकि जो काम की चीजें हैं उसको बॉडी के अंदर वापस रीअब्सॉर्ब किया जा सके। हेनलेज लूप एंड वासा रिएक्टा प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। तो लूप ऑफ हेनले है जो और जो वासा रिएक्टा जो हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी वो डिटेल में अभी देखेंगे उसका जो मेन रोल है वो क्या करती है। तो काउंटर करंट ये मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर फ्लो ऑफ फिल्ट्रेटर इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप। हेनले का जो लूप है उसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो उसके लिम है उसमें एक भाग में तो जो यूरिन है या फिर जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जाता है एक में अपवार्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन बोला जाता है। इसी तरीके से जो वासा रेक्टा है उसके भी दो लिम्स होते हैं वो भी यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और उसमें भी जो ब्लड की जो मूवमेंट होती है फ्लो होता है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है और जो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना है यही हमको जो काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। अपोजिट करंट का मतलब होता है प्रवाह और मैकेनिज्म का मतलब होता है एक प्रक्रिया मेनली काज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो इसके अंदर जो भी कंसंट्रेशन किया जाता है फिल्ट्रेट का उसमें NaCl और यूरिया का मेन रोल होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम एंड एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम ऑफ द वासा रेक्टा। तो जो NaCl है सोडियम क्लोराइड है या सोडियम एंड क्लोराइड के जो आयन है उनको असेंडिंग लिम से ट्रांसपोर्ट करके किसके अंदर एक्सचेंज किया जाता है किसके साथ डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा। तो हेनलेज लूप का असेंडिंग लिम है और डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा के साथ इसको एक्सचेंज किया जाएगा। NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टीशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। उसके बाद वासा रेक्टा से इसको बाहर फिर जो सेल होती हैं जो अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं बाहर की तरफ जो नेफ्रॉन के बाहर प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में भेज दिया जाता है मतलब नेफ्रॉन के बीच में जो स्पेस होता है ना वहां पे इसको NaCl को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाद में। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टीशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो कुछ मात्रा जो यूरिया की वो भी जो थिन सेगमेंट होता है असेंडिंग लिम का मतलब सेगमेंट अलग अलग होते हैं एक भाग थोड़ा सा थिन होता है और एक भाग थिक होता है असेंडिंग लिम के अंदर ही तो उसमें से जो भी यूरिया है उसको इंटरस्टीशियम मतलब जो सेल के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स है उसके द्वारा। तो फंक्शन ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो देखते हैं क्या क्या काम करता है। ये हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवार्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम। तो इंटरस्टीशियम मतलब सेल्स के बीच में ये जो ऑस्मोलरिटी है उसकी कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखने का काम करता है ताकि जो आयन बैलेंस है उसको बनाए रखा जा सके। दैट इज फ्रॉम 300 मिली ओस्मोल पर लीटर इन कोर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ओस्मोल इन मेडुलरी पर लीटर इन इनर मेडुला। तो जो ये अलग अलग कंसंट्रेशन की यूनिट है जैसे 300 मिली ओस्मोल पर लीटर से जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर पाई जाती है इतनी कंसंट्रेशन ऑस्मोलरिटी मतलब जो ऑस्मोसिस में मदद करती है अलग अलग आयन बैलेंस में बनाए रखने में और मूवमेंट करवाने में तो कोर्टेक्स रीजन में वो 300 पाई जाती है कंसंट्रेशन और जो 1200 किसके अंदर पाई जाती है मेडुलर रीजन के अंदर। जो जैसे जैसे मेडुलर रीजन में जो फिल्ट्रेट जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है तो हम स्लाइड में भी देखेंगे। ये प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टीशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। और जो ये कंसंट्रेशन को बना के क्यों रखा जाता है क्योंकि हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो वाटर है वो मूव करता है। तो ये बाहर की तरफ जो इंटरस्टीशियल स्पेस है उसके अंदर ये इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन को बनाए रखने का मकसद यही होता है कि जो अलग अलग ट्यूब्यूल होती हैं
जो खासकर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा सके, ताकि उसको बॉडी के अंदर रखा जा सके, वो बाहर ज्यादा उसका लॉस ना हो। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसनट्रेट देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्मड। जो शुरुआत में फिल्ट्रेट बनता है, जैसे छनता है जो ब्लड है, और उसे जो फिल्ट्रेट हमने जैसे यूरिन फॉर्मेशन में देखा था 180 लीटर जो बनता है उसकी जो कंसनट्रेशन है, और जो लास्ट में जो यूरिन बनता है उसकी जो कंसनट्रेशन है, तो यूरिन की कंसनट्रेशन 4 गुना तक बढ़ जाती है जब उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से। किससे 4 गुना बढ़ जाती है? जो शुरुआत में फिल्ट्रेट हुआ था बाउमेन कैप्सूल के अंदर, जो ब्लड में से जो भी मटेरियल रिमूव किया गया था। उसके बाद है जो हम जो काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है ये है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में अलग अलग जो भाग हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमने बात करी थी जो ये है डिसेंडिंग लिंब, और ऊपर वाला असेंडिंग लिंब, इस साइड वाला जो है ये असेंडिंग लिंब है, क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट है ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसमें नीचे की तरफ आता है। और नीचे की तरफ आते टाइम देख सकते हैं हम वाटर के प्रति, ये जो जो पहले वाला जो डिसेंडिंग लिंब है वाटर के प्रति तो परमेबल है, इसकी जो वाल है, जबकि इसमें से कोई भी NaCl वगैरह है वो रिमूव नहीं होता है, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा से ज्यादा इसमें निकलता रहेगा। और हम देख सकते हैं जो 300 mOL/L जो कंसेंट्रेशन है वो जैसे जैसे वाटर इसमें से रिमूव होता रहेगा, हाईली कंसेंट्रेटेड वो कंडीशन बनती रहेगी, जैसे 300 से 400, 600, 900, 1200। तो जैसे ही लूप ऑफ हेनले मतलब इनर मेडुलरी रीजन में जो फिल्ट्रेट आता है तो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही असेंडिंग लिंब में वाटर ये जो फिल्ट्रेट है ऊपर चढ़ता है तो इसमें NaCl है वो बाहर निकलता रहता है, और जितना ज्यादा NaCl इसमें से बाहर निकलता रहेगा उतना ही ज्यादा जो सोल्यूट है उसकी कंसेंट्रेशन कम होती रहेगी। और कंसेंट्रेशन कम हम देख सकते हैं वापस 1200 से 700, 400, 1200, 200 और 100, और लास्ट में 100 तक रह जाती है, मतलब कंसेंट्रेशन काफी कम रख दी जाती है। और इसका जो मेन काम होता है वो आयन्स को दोबारा रीअब्जॉर्ब करना होता है। और जो ये अलग अलग कंसेंट्रेशन हम देख सकते हैं, जैसे कोर्टेक्स रीजन में 300 के आसपास mOL/L रखी जाती है, और जबकि 1200 mOL/L जो कंसेंट्रेशन है वो इनर मेडुलरी रीजन में रखी जाती है, लोब ऑफ हेनले का जो नीचे वाला पार्ट होता है। और इसी टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये होती है वासा रेक्टा की यू शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो एक साइड में हम देख सकते हैं जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरे में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे ब्लड है जो पहले नीचे की तरफ आ रहा है उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होती है जो फ्लो की, इसी को काउंटर करंट बोलते हैं हम। और यहाँ पे जो रेड एंड ब्लू एरोज शो करी गई है उसका मतलब यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ब्लड स्ट्रीमिंग होती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये वाला पोर्शन है जस्ट यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में, ये ऊपर वाला पोर्शन है वासा रेक्टा का, और बीच वाला आउटर मेडुला है और ये इनर मेडुला है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो कंसेंट्रेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही बना के रखी जाती है जैसे वासा इसके अंदर लूप ऑफ हेनले में होती है, मतलब ऊपर 300 mOL है। और यहाँ पे भी किसकी चीज की वजह से है? क्योंकि वाटर है स्टार्टिंग में बाहर निकलता है, NaCl इसमें एंटर करता रहता है। और ये NaCl कहाँ से आया है? जो अलग अलग इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां से, जैसे यहाँ से आया है NaCl, और NaCl जैसे यहाँ से आएगा तो उसको वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वाटर को उसमें से रिमूव किया जाता है। और वाटर जैसे जैसे रिमूव होता रहेगा कंसेंट्रेशन बढ़ती रहेगी, और जैसे दोबारा अपवर्ड साइड में जो ब्लड है वो मूव करता है तो उसमें जो ये कंडीशन अपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंसेंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। तो ये बड़ा ही एक ब्यूटीफुल वे में अच्छे ढंग से जो अलग अलग आयन्स का जो बैलेंस है वो बनाया जाता है दोनों के अंदर, वासा रेक्टा के अंदर और लूप ऑफ हेनले के अंदर, ताकि अलग अलग जो वाटर है आयन्स है उनको एक मेंटेन किया जा सके, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। उसके बाद है तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं जो वासा रेक्टा है, ये रेड कलर का जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है वासा रेक्टा है, और ये हेनलेज लूप है। और यहाँ पे जो मूवमेंट हम देख पा रहे हैं जो अलग अलग वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे बाहर की तरफ निकलते रहते हैं, तो कंसनट्रेशन बढ़ती रहती है। और इस साइड में जो ये बॉल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो दूसरे कलर की बॉल है ये NaCl को रिप्रेजेंट कर रही है, तो NaCl को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मूवमेंट है अपोजिट रहती है, तो जैसे ब्लड इसमें नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, और इसी की वजह से काउंटर करंट इसमें भी होता है और वासा रेक्टा में भी होता है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से रहता है कि ब्लड की और फिल्ट्रेट की भी जो मोमेंट है वो अपोजिट बनी रहे, ताकि जो
यहाँ से साल्ट एब्जॉर्ब किए जा साल्ट जैसे यहाँ से सिक्रेट होएंगे तो जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो जैसे नीचे की तरफ आएगा फिल्ट्रेट हो चाहे ब्लड हो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखी जाती है 1200 ओस्मोल पर लीटर। और यहाँ पे हम डायग्रामेटिक टाइप से समझ सकते हैं, जैसे वासा रेक्टा है इसमें जो मूवमेंट है वो देख सकते हैं, इसमें ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है तो जो फिल्ट्रेट है लोबा फैनल में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अलग अलग जो वाटर और NaCl का जो बैलेंस हमने देखा था पीछे वाले पीक में सेम वही बातें हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू यहाँ पे दिखा रखे है। उसके बाद है और अच्छे ढंग से जो मूवमेंट है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे जो देखने वाली बात क्या है, जो ये आंकड़ा है ये 360 400 नीचे 1200 हो रहा है उसके बाद ये कम होता जा रहा है, तो ये ओस्मोलरिटी को शो करता है। और यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के यदि हम इसको थोड़ा सा स्टॉप करके देखें तो इसमें हम देख सकते हैं 390 है, 430 है, 1140 उसके बाद नीचे 1200 हो जाता है। और जो एरोज के निशान है वो किस चीज़ के हैं, साल्ट के हैं, और इस साइड में भी जो अलग अलग वाटर वगैरह है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो मूवमेंट है वो लगातार चलती रहती है और जिसकी वजह से जो अलग अलग आयन का बैलेंस बना के रखा जाता है। उसके बाद रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी के अलावा जो दूसरे ऑर्गन है वो जो अलग अलग वेस्ट होता है बॉडी का उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी, किडनी के अलावा लंग्स हैं वो क्या करते हैं, CO2 को वाटर को रिमूव करते हैं, लीवर है और स्किन है तो इनका काम होता है। तो लंग्स का काम देखते हैं क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिनट में जो 200 मिलीलीटर है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकालते हैं जो ब्रीथिंग के द्वारा, एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, और बहुत ज्यादा मात्रा है जो वाटर की जो एक्स्ट्रा होता है उसको शरीर से बाहर रिमूव करते हैं। जो हमारी एयर होती है वो काफी नमी होती है उसके अंदर, जैसे सर्दियों में हम देखते हैं जो धुआं सा निकलता है मुंह से तो वो वाटर वेपर्स ही होते हैं, तो वाटर वेपर्स को लंग्स हैं जो ब्रीथिंग के द्वारा रिमूव करते हैं। लीवर क्या करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, और ये बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे बिलिरुबिन और बिलिरुडिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन और विटामिन एंड ड्रग्स, जो अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उनको भी रिमूव करने का काम लीवर करता है जो कि बॉडी में एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो किडनी और लीवर के ऊपर ही डालती हैं, तो क्योंकि यही उनको रिमूव करते हैं, और जब ये रिमूव करते हैं तो खुद भी डैमेज हो जाते हैं। तो ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं जो कम से कम यूज की जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। तो जो ये लीवर है अपनी सिक्रीशन है जो जो बाइल साल्ट सिक्रीट करती है और बाइल पिगमेंट है तो वो किस में सिक्रीट करते हैं, ड्योडनम में, ड्योडनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जो भी अनडाइजेस्टिड फूड होता है या डाइजेस्टिव वेस्ट जिसको बोलते हैं उसके साथ में जो लीवर का एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स जो पसीना ग्रंथि होती हैं ऑयल वगैरह सिक्रीट करती हैं स्किन में, जो मॉइस्चर बना के रखती हैं बॉडी में, बॉडी की सरफेस पे ऊपर, तो इन स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू दियर सिक्रीशन। तो ग्लैंड्स होती हैं जो वो जैसे पसीना रिलीज होता है शरीर से तो उसके साथ साथ में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स इन ए वाटरी फ्लूड कंटेनिंग NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये NaCl सोडियम क्लोराइड और कुछ यूरिया की अमाउंट को और जो लैक्टिक एसिड होता है जो मसल्स में बनता रहता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि थकान पैदा करता है, और जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनता है ये, तो इसको भी रिमूव किया जाता है स्वेट के द्वारा। सबेसियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टीरोइड या स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सीज थ्रू द सेबम। सेबम क्या होता है, जो कि ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो इनके जरिए जो अलग अलग हाइड्रोकार्बन वगैरह होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड है, स्टीरोल है और वैक्सीज मोम जैसी जो स्ट्रक्चर तेलीय स्ट्रक्चर होती है तो उसको ये रिमूव करते हैं। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ओवर द स्किन। तो जो ये अलग अलग सिक्रीशन है ये प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बना के रखती हैं ताकि जो वाटर लॉस यदि ज़्यादा हो जाता है, जैसे सर्दियों में जो स्किन है वो फटना शुरू हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसका कारण क्या होता है कि वहाँ पे उस टाइम पे स्वेट वगैरह वो प्रोड्यूस नहीं होता बॉडी के द्वारा, तो जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो उनके बीच में जो नमी होती है यदि वाटर प्रेजेंट होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है सेल्स की, और यदि वाटर नहीं है तो वो क्या करती हैं फिर उनके बीच में जो वाटर लॉस की वजह से जो दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जो किडनी का जो भी हमने यूरिन फॉर्मेशन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करती है या फिर ऑस्मो रेगुलेशन करती है, तो ये काम किसके द्वारा देखा जाता है, क्या क्या ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। एफिशियंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाई हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का पार्ट होता है, JGA, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जो कि हमने पहले भी देखा था, जो GFR है उसके अंदर रोल प्ले करता है, और कुछ अमाउंट हर्ट भी, जो किडनी के काम को देखता है। रोल ऑफ JGA, रेनिन एंजियोस्टेनिन मैकेनिज्म, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रेनिन हार्मोन है किस तरीके से जो रोल प्ले करता है। ए फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर या फिर GFR जो हमने देखा था उसके अंदर थोड़ा सा भी यदि फ्लो के अंदर कमी आ जाती है तो उससे जे जी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो रेनिन सब्सटेंस है उसको रिलीज करती है, रेनिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है ब्लड के अंदर, एक जो अलग अलग फैक्टर होते हैं उसको ये एंजियोटेंसिन 1 में बदलेगी पहले तो, और उसके बाद उसको एंजियोटेंसिन 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कौन, ये रेनिन। एंजियोटेंसिन 2 बिगिन बीइंग ए पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर एंड GFR। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो ल्यूमिन को और ज्यादा कम कर देता है, उनको सिकुड़वा देता है, जिसकी वजह से प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है, जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर तो ज्यादा प्रेशर से फ्लो होगा और उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, और GFR का मतलब है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, जो हमने देखा था यूरिन फॉर्मेशन में उसको भी बढ़ा दिया जाता है। एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट एड्रेनल कोर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन भी क्या करता है, GFR को बढ़ाने का काम करता है। एल्डोस्टेरोन काजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या करता है, जो भी अलग अलग टाइप की जो ट्यूब्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो पूरे नेफ्रॉन के अराउंड में जो एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसके अंदर वापस क्या कर देता है, ये जो सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, और यदि ये ज्यादा बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। दिस आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। तो जिससे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो मेन काम क्या करता है, जैसे ही ब्लड फ्लो कम स्पीड से आता है किडनी के अंदर तो उसमें से फिल्ट्रेशन भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। तो ये जो JGA होता है इसका काम यही होता है कि फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके, रिमूव किया जा सके। हार्ट कैसे काम करता है, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन काज रिलीज ऑफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। तो जब एट्रिया के अंदर ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, जैसे ऊपर वाले केस में हमने देखा है, मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो एक ANF फैक्टर है वो रिलीज किया जाता है हार्ट के द्वारा। तो ANF क्या करता है, वैसो डायलेशन, ऊपर वाले का उल्टा करेगा। जैसे GFR बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको लगातार बढ़ाते जाना है, ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, ज्यादा फिल्ट्रेट है वो प्रोड्यूस होगा, वो भी नहीं चाहिए हमको। तो जिसकी वजह से इस प्रोसेस को, जो वैसो कंस्ट्रिक्टर है उसका उल्टा काम क्या करता है, ANF करता है। तो ANF और जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वन मार्क क्वेश्चन यहाँ से आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, तो यदि क्लियरिटी रहेगी तो ये आसानी से समझ में आएंगे। ANF का काम होता है वैसो डायलेशन का, जो कि क्या करेगा, फिर जो ब्लड प्रेशर है उसको कम कर देगा, और जैसे ही ANF मैकेनिज्म एक्ट एज ए चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर कंट्रोल करके रखने का काम है ANF का रहता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ किडनी में ही रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस उसका क्या काम रहेगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी। यदि शरीर से ज्यादा फ्लूड है बाहर निकल रहा है तो उसको ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, उसके द्वारा सेंस कर लिया जाता है, उनके द्वारा पता लगा लिया जाता है, जिसे क्या होगा, विच आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। यदि ज्यादा फिल्ट्रेट बाहर निकल रहा है ब्लड से तो ब्लड का तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, एंड बॉडी फ्लूड वॉल्यूम, जो बॉडी के अंदर अलग अलग जो फ्लूड है, प्लाज्मा वगैरह है, साइटोप्लाज्म वगैरह है, उनका ही वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, और आयनिक कंसेंट्रेशन भी, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायुरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन जिसको बोलते हैं, या फिर वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरो न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही भाग होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो उसमें से वैसोप्रेसिन और
जो हाइपोथैलेमस से एंटी डायरियोटिक हार्मोन है उसको रिलीज करवाया जाता है जब ज्यादा बॉडी के अंदर से जो वाटर है वो रिमूव किया जा रहा है किडनी के द्वारा। तो एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट है और जो डिस्टल कॉनोइड ट्यूब्यूल है जो नेफ्रॉन के, उनमें से जो एडीएच है वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा था वाटर का उसको कंपनसेट करना स्टार्ट कर देता है ये, जिससे क्या होता है प्रिवेंट डायरूसिस। डायरूसिस का मतलब है वाटर लॉस थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा था उसको कम कर दिया जाता है फिर, इसलिए इसको एंटी डायरूटिक हार्मोन भी बोला जाता है। एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस एडीएच रिलीज टू कंप्लीट फीडबैक। तो जो बॉडी फ्लूड वॉल्यूम है वो जब ज्यादा हो जाता है मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, तो उससे जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं जो स्टार्टिंग में स्विच ऑन हुए थे, और इससे क्या होगा एडीएच है वो उसका जो सिक्रीशन है वो सप्रेस कर दिया जाता है, और इससे जो हमारा जो रोल था इनका कि भाई आयन के बैलेंस को बनाए रखना मतलब वाटर के बैलेंस को बनाए रखना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एडीएच कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। तो साथ में जो ब्लड वेसल्स के ऊपर ये क्या करता है कंस्ट्रक्शन कोज करता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब सिकुड़वाता है उनको, जिससे जीएफआर रेट वगैरह है उसको भी बढ़ाने का काम करता है ये। काज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वही बात है जब कंस्ट्रक्शन करवाएगा सिकुड़वाएगा ब्लड वेसल्स को तो जीएफआर रेट को बढ़ा देता है। उसके बाद है मिक्टूरेशन जिसको यूरिनेशन भी बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन द न्यूरल मैकेनिज्म काजिंग मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स। तो जब यूरिन है वो एक अच्छी खासी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसको फिर क्या किया जाता है एक रिफ्लेक्स भेजता है वो, रिफ्लेक्स का मतलब अपने सिक्रीशन के लिए ब्रेन के पास सिग्नल भेजता है, और फिर क्या करेगा जो यूरिन है वो किस में स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद जो रिफ्लेक्स बनेगी तो जो ब्रेन है उसको रिमूव करने के लिए जो एक्टिविटी है स्टार्ट कर देता है। सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट्स गेट फिल्ड विद यूरिन। जब यूरिन से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो थैली है यूरिन की वो भर जाती है, तो उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है प्रेशर की वजह से, और वहां से सिग्नल है वो रिफ्लेक्स सिग्नल है वो क्रिएट होता है। इन रिस्पॉन्स सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है मैसेज भेजता है क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या काम करते हैं, ये गेट को ओपन क्लोज करने का काम करेंगे रास्ते को, और ये रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स होंगे तो जो यूरिन है वो जो यूरिथ्रा है उसके जरिए शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में यूरिन को बाहर निकालने में जो स्मूथ मसल होती हैं ब्लैडर में वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो थैली है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जितनी ज़्यादा सिकुड़ती है तो यूरिन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एंड अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन है अडल्ट ह्यूमन वो 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन है पर डे रिमूव करता है। यूरिन क्या होता है, लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूड स्लाइटली एसिडिक पीएच 6.0 एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो यूरिन लाइट येलो मतलब हल्के पीले रंग का एक वाटरी फ्लूड पानी का जैसे एक पदार्थ होता है जिसकी पीएच 6 होती है, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर उसकी एक गंध होती है। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। हर रोज 20 मतलब 25 से लेकर 30 ग्राम जो यूरिया है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है, और यूरिया यदि शरीर में इकट्ठा होता रहता है तो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बीमारियों में जो यूरिन है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो सकती है, और जो यूरिन टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर बीमारी के टाइम पे, तो ये क्या करता है हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड किडनी मेलफंक्शनिंग। जब शरीर में कुछ बीमारियां आ जाती हैं तो उनका पता लगाने के लिए यूरिन का टेस्ट किया जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब है लैब के अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं, और इसे किडनी की जो मेल फंक्शनिंग है किडनी का जो सही ढंग से काम नहीं हो रहा है उसको भी चेक किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसोरिया की बीमारी होती है जिसमें यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कीटोन बॉडीज, कीटो यूरिया जिसको बोलते हैं, वो भी किसका सिम्टम होता है डायबिटीज मेलिटस बीमारी का सिम्टम होता है, जिसकी वजह से यूरिन में कीटोन बॉडीज हैं उनको चेक किया जाता है। तो यूरिन के एनालिसिस से बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जाता है, इसलिए डॉक्टर जो सबसे ज्यादा जो टेस्ट है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ही बोलता है जब भी किसी पर्सन को डिजीज के सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। पहली है यूरिमिया। यूरिमिया क्या होता है, मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। तो जब किडनी ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो यूरिया है वो ब्लड के अंदर इकट्ठा होता रहता है। हार्ट
हाईली हार्मफुल, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये, और किडनी फेलियर मतलब किडनी को टोटली डैमेज भी कर सकता है यदि यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया तो। इन सच पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स के अंदर यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस हीमोडायलिसिस। एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसमें यदि किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है, जब तक उसको कोई किडनी डोनर नहीं मिलता है तब तक हॉस्पिटल में उसका किडनी जैसा काम एक मशीन करती है जिसको हीमो डायलाइजर या हीमोडायलिसिस बोला जाता है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रेनल कैलकुली, ये क्या होते हैं, जो किडनी में पथरी हो जाती है, स्टोन जिसको बोलते हैं, इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट जिसे ऑक्जलेट्स, ऑक्जलेट ऑक्जेलिक एसिड में होता है, तो कुछ साल्ट होते हैं यदि वो शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं तो किडनी के अंदर वो पत्थर का काम करेंगे, वो गुड़ते नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्यूब्यूल है जो हमने देखी है बिल्कुल बारीक बारीक उनकी नाड़ियां होती हैं, बिल्कुल बारीक रीमन होता है जिसके अंदर वो फंसती हुई जाएंगी और जो साल्ट है फिर डैमेज कर देते हैं उन ट्यूब्यूल्स को, ट्यूब्यूल्स को। उसके बाद है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, तो ये भी एक डिजीज है जिसके अंदर जो ग्लोमेरुली है, जो ग्लोमेरुलस पार्ट देखा हमने जिसमें जो ब्लड है वो फाइन ट्यूब्यूल्स के अंदर लेके आ जाता है बाउमेन कैप्सूल के अंदर, उनके अंदर इंफ्लेमेशन होती है, जलन होती है, तो किडनी में मतलब दर्द होता है, पेन होता है इस डिजीज के अंदर। तो वैसे दर्द होता है तो ज्यादातर स्टोन ही बोल दे देते, भाई किडनी में पथरी होगी, लेकिन अलग अलग बीमारियों में अलग अलग इन्फ्लेमेशन वो देखने को मिल जाती है। तो ये है मेन मेन जो डिसऑर्डर एक्सक्रीटरी सिस्टम के। उसके बाद है हीमोडायलिसिस, तो ये क्या प्रोसेस होती है, इसमें मैकेनिज्म क्या रहेगा, जिस पर्सन की किडनी फेलियर हो जाती है तो उस पर्सन का जो ब्लड है ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वेनेंट अर्टरी, किसी भी शरीर की कोई भी अर्टरी मतलब सुविधाजनक पर्पज से किसी भी हिस्से से हम एक अर्टरी से जो ब्लड है वो बाहर निकालते हैं, उसके अंदर एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है जैसे हीपेरिन होता है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है, जो ब्लड हमने बाहर निकाला है वो उसको थक्के नहीं जमने देते, क्योंकि वैसे तो ब्लड जैसे ही शरीर से बाहर आएगा तो उसका थक्का जम जाएगा, वो कोएगुलेशन शो कर देगा जिसकी वजह से वो काम का नहीं रहेगा। तो क्योंकि इसमें ब्लड को लंबे टाइम तक बाहर रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है अंदर शरीर में वापस पंप करने में, तो हिपैरिन इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट है वो मिलाया जाता है। ए डायलिजिंग यूनिट के अंदर फिर भेजा जाता है इस ब्लड को, ये मिलाने के बाद यूनिट कंटेन ए कोल्ड सेलोफेज या सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय ए फ्लूड, डायलाइजिंग फ्लूड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो यूनिट है, यूनिट के अंदर जो ट्यूब होती है, ट्यूब की कोल्ड ट्यूब होते हैं काफी, और वो सेलोफेन ट्यूब की बनी होती है, मतलब सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, उनके आसपास जो बाहर की उनकी परत बनाती है, और उनमें जो ट्यूब के बाहर एक फ्लूड भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूड, और उसके अंदर जो भी कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा जितनी ही कंसंट्रेशन होती है, बस उसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसकी मात्रा कम रखी जाती है, और इन ट्यूब में से फिर ब्लड को पास किया जाता है, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ज्यादा है ब्लड में वो रिमूव कर दिया जाता है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है जो सेल्फिन ट्यूब होती है। तो जो कंसंट्रेशन है ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो पोर्स मेम्ब्रेन है उसमें से जो ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किसके अंदर है, डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर, तो यूरिया है इस तरीके से रिमूव किया जाता है। एज नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर अब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूड, नाइट्रोजीनियस फ्लूड को बिल्कुल अब्सेंट रखा जाता है डायलाइजिंग फ्लूड में, दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, जिससे ये ब्लड से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं और ब्लड इससे साफ हो जाता है। जो अब ब्लड हमने बाहर साफ किया है उसको वापस फिर बॉडी के अंदर किसी वीन के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं, और उसके अंदर क्या डाला जाता है, एंटी हीपरिन डाला जाता है, जो हीपरिन हमने इसके अंदर मिक्स किया था एंटीकोगुलेंट था उसको फिर न्यूट्रलाइज करके ही बॉडी में भेजा जाता है, क्योंकि यदि हीपरिन यदि वहीं पे उसमें ब्लड में रह गया तो कोई ना कोई रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, और जब इंजरी वगैरह होगी तो उस केस में ब्लड क्लोटिंग में एक बैरियर का काम कर सकता है जो कि नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ब्लड को जब बॉडी के अंदर भेजा जाता है तो एंटी हीपेरिन मिलाकर उसमें भेजा जाता है। दिस मेथड इज ए बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बून का मतलब है एक वरदान का काम कर रही है ऐसे लोगों के लिए जो कि यूरेमिक पेशेंट हैं, मतलब जिनकी किडनी फेलियर हो चुकी है और उनको किडनी डोनर यदि आसानी से नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल के अंदर ये ट्रीटमेंट उसका करवाया जाता है। उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो ये जो मैकेनिज्म हमने देखा है, हालांकि ये कुछ टाइम के लिए तो ठीक है लेकिन लंबे टाइम तक तो पेशेंट को हम हॉस्पिटल के अंदर भी एडमिट नहीं रख सकते, तो उसके लिए तो भाई यदि किडनी ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो बून की बजाय वो अभिशाप भी बन सकता है, लंबे टाइम तक यदि उसका इसी तरीके से ट्रीटमेंट करवाते रहें तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा पर्सन, क्योंकि इसमें
जो एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, और पर्सन का जो ब्लड है वो बार बार सर्कुलेट करवाना पड़ता है। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ए ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रेफरेली ए क्लोज रिलेटिव। तो क्या किया जाता है, जैसे किडनी दो होती है ह्यूमन में, तो एक किडनी है वो डोनेट की जा सकती है एमरजेंसी के कंडीशन में, तो प्रेफरली ए क्लोज रिलेटिव, और खासकर यदि किसी पर्सन के प्रॉब्लम है तो उसके सगे संबंधियों से ही किडनी ली जाती है, ताकि उसके जो रिजेक्शन के चांसेस कम रहें, क्योंकि वही आगे बात है, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर के सोल्जर होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, जो सैनिकों के तरीके से काम करेंगे, बाहर की कोई भी चीज आ गई तो उसको ये डैमेज करने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो। अब इनके लिए तो बाहर से जो किडनी आ रही है वो भी शरीर से तो बाहर ही की मानेंगे ही ना, और इम्यून सिस्टम यदि हमने सप्रेस नहीं किया उस केस में, ये उस किडनी को भी, हालांकि वो बड़ी मुश्किल से मिली है, और उसको भी फेल कर सकते हैं। अल्टीमेट करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर्स, तो जो रेनल फेलियर मतलब जो किडनी फेल हो जाती है, तो उसका एक अल्टीमेट करेक्शन केवल किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। आज के टाइम पे हम जो अलग अलग क्लिनिकल प्रोसीजर ऐसे यूज करते हैं, बिल्कुल ही अच्छे ढंग से जो ट्रांसप्लांटेशन किए जाते हैं, जिससे कि जो ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन आज के टाइम पे एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, जिन पेशेंट्स के ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद है जो हीमोडायलिसिस, इसको हम स्लाइड में पिक से समझेंगे। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि डायलाइजिंग यूनिट होती है, जो क्या करती है, इसमें पर्सन से ब्लड है, दो पाइप लगाई जाती हैं, एक यूरिटर से ब्लड को लेके आएगी, जो खास यूरिटर क्या, जो अर्टरीज है, और वीन के अंदर जो इस ब्लड को फिर वापस पंप कर दिया जाता है, और ये जो मशीन है वो ब्लड को क्या करती रहती है, फिल्टर करती रहती है। और यहाँ पे जो दो ट्यूब लगा रखी है, ये क्या करती है, एक ट्यूब से डायलाइजिंग फ्लूड है वो अंदर डाला जाता है, और जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूड है वो बाहर निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा और, जैसे यहाँ पे जो ब्लड है वो पर्सन की अर्टरीज से लिया जाता है, प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है, पंप लगाया जाता है बाहर। जैसे हम देख सकते हैं जो ब्लड है इस तरीके से आगे, इसमें हिपेरिन है, यहाँ पे डाला जाता है, डायलाइजिंग यूनिट के अंदर इसको फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद वापस फिर एयर ट्रैप का मतलब है जो एयर बबल वगैरह आ जाते हैं उसको यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, और वापस फिर वेन के अंदर इसको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पंप भी लगाया जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट है इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकता कि जो ब्लड है उसको बाहर भी भेजे और साथ में अंदर भी खींचे। तो एक एक्स्ट्रा जो हार्ट हम बोल सकते हैं कि पंप है, वो बाहर लगाया जाता है, जो कि ब्लड को शरीर से खींचता रहता है और वापस शरीर में भेजता रहता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्लीन डायलेजिंग डायलेजर्ड होता है, जैसे जैसे इसको यूज किया जाता है तो ये बाहर भी निकालना पड़ता है, वेस्टेज जो होता है इसको रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो ऊपर वाला जो हम देख रहे हैं मशीन है, उसके अंदर ये वाला जो प्रोसीजर है वो होता है। उसके बाद है जो डायलाइजिंग फ्लूड है, इसके अंदर किस तरीके से जो मटेरियल एक्सचेंज होता है, जैसे फिल्टर होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड के अंदर जो भी यूरिया वगैरह होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह होता है, उसको डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर भेज दिया जाता है। तो बाकी आरबीसी वगैरह इनको तो कोई डैमेज नहीं होगा, ये तो नॉर्मल ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन जो यूरिया है वो डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर भेज दिया जाएगा, और डायलाइजिंग फ्लूड को हम दोबारा इस इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाल देते हैं, और क्लीन जो डायलाइजिंग फ्लूड है वो इसके अंदर लगातार भेजना पड़ता है, और जो वेस्टेज है उसको बार बार रिमूव करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई किया जाता है किसी भी पर्सन के अंदर।